बना दूंगा, ये घंटी बजाएगा मंदिर में। फिर बोले बेटा कल मैं जा रहा हूँ अमेरिकन कॉन्सुलेट, मेरा कुछ वर्क परमिट है और मैं तो नहीं पाऊंगा। कोई नहीं सर, मैं मीटिंग के बाद शाम को मैं घर आता हूँ, आपको अपडेट देता हूँ क्या क्या होना है शिक्षा में। फिर ऑफकोर्स सुबह उठे तो शॉक था, बट आपने जो अपनी यादें शेयर की, नमस्कार सबको। आज की शाम एक बड़ी अनकन्वेंशनल सी शाम है, क्योंकि कुछ शख्सियत ही ऐसी होती हैं जो अनकन्वेंशनल बना देती हैं जिंदगी को। मैं पहले तो सिंटा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ, थैंक यू सो मच आने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी यादें हैं ओम जी के साथ। इस शाम का विचार आया, हम लोग साथ में थे अशोक पंडित जी, मैं, अश्विनी चौधरी, संजीव सूरी, उस दिन पूरा दिन हम लोग ऊपर हॉस्पिटल में थे जी। थैंक यू। और भी किन्हीं के अगर अभी साइलेंट ना हो, साइलेंट कर लें प्लीज फोन। तो बड़ा अजीब माहौल था, फॉर्मेलिटीज जो होनी है होनी है। बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि जिस सुबह ये समाचार मिला उससे पिछली शाम ओम जी से मेरी बात हुई थी। दिन में 3-4 मिस्ड कॉल थे एक पीआर के, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने फाइनली कॉल बैक किया, मैसेज आया कि सर ओम जी बात करना चाहते हैं, तो मैंने वापस फ़ोन किया। ओम जी मूड में थे, ओम जी ने शुरुआत ही जो है वो ऐसी की कि हाँ भाई राजपूत क्या हाल है। ये तो एक वैसे एक सुशांत सिंह राजपूत है, एक मैं सुशांत सिंह हूँ, तो वैसी जिंदगी में बहुत कन्फ्यूजन है। ओम जी भी ऐसे बोले तो थोड़ा तो वैसी सड़क की सर अभी तक राजपूत नेवा जाट ही होंगे, हंस पड़े। प्रेसिडेंट साहब प्रणाम। हाँ भाई जाट रे जाट तेरे सर पे खा। जी सर ठीक है सर, है कोई जवाब तेरे पास है? मैं कहा सर 16 तो नहीं 8 और क्या जवाब है सर? नहीं जोक सुन, बनिया और जाट घूम रहे थे, बनिया ने कहा जाट रे जाट तेरे सर पे खाट, जाट ने कहा बनिया रे बनिया तेरे सर पे कुल। बनिया बोला इसमें क्या तुक हुई? तुक नहीं है साले, वजन तले तो मरेगा तू। सो दैट वाज ओम जी। एंड फिर सीधे शूटते बोले हाँ बेटा बता भाई बच्चे और क्या हो रहा है सिंटा में? सर सिंटा में कल तो मीटिंग है हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, आप आ जाओ शहर में हो तो। यार मैं सारी रात शूटिंग किया, दिन भर काम किया, अभी मैं बैठा हुआ हूँ और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग बैठे मेरे साथ, कोई गुजरात से है कोई महाराष्ट्र से। मैंने सर वेरी गुड, आप नेशनल इंटीग्रिटी कर रहे हैं। एक ये भी है क्या नाम है खालिद, ये मुसलमान है, इसे सुबह तक मैं हिंदू बना दूंगा, ये घंटी बजाएगा मंदिर में। फिर बोले बेटा कल मैं जा रहा हूँ अमेरिकन कॉन्सुलेट, मेरा कुछ वर्क परमिट है और मैं तो आ नहीं पाऊंगा। कोई नहीं सर, मैं मीटिंग के बाद शाम को मैं घर आता हूँ, आपको अपडेट देता हूँ क्या क्या हो रहा है सिंटा में। देन ऑफकोर्स सुबह उठे तो शॉक था, बट दिन भर जब भी साथ थे पंडित जी, अश्विनी चौधरी और मैं, अपार्ट फ्रॉम द शॉक जैसे नाम लेते थे ओम जी का, तो कोई उनका एक मजाकिया किस्सा, कोई उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका बोलने का अंदाज, वो याद ना आ जाए और हम मुस्कुराकर बात ना करें पूरे दिन, ऐसा हुआ नहीं। ओम जी मीन्स लाफ्टर, हैप्पीनेस, खुशी। पूरा दिन उस शौक के बावजूद हम मुस्कुराते रहे ओम जी को याद कर करके, उनका नाम ले लेके। तब यह ख्याल आया कि यार एक शाम ऐसी ही रखी जाए जहां जो ओम जी थे, जो उन्होंने हमारी जिंदगी में बांटा, जाने अनजाने, हम में से बहुतों को डायरेक्टली जानते थे, किसी को नहीं जानते थे, बतौर एक्टर, बतौर एक शख्स के तौर पर जो जादू बिखेरा हमारी जिंदगी में, जो खुशी बिखेरी, वो खुशी आपस में बांटते हैं, क्योंकि शायद ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस तरह की शख्सियत को। ऐसे लोग फिजिकली जाते हैं लेकिन जाते तो हैं, इट्स गोइंग टू रिमेन देयर फॉरएवर सबके दिलों में और सबके करीबी थे। शायद एक कमाल की बात जो मुझे लगी, संजीव पुरी ने मुझसे पूछा यार आप ओम जी कब से जानते हो? यार पहली बार उनको मिला था मैं 20 साल पहले, अलकाजी साहब को फेलिसिटेशन कर रहे थे, वहां पर ओम जी बोलने आए थे, तब पहली बार मिला था, फिर कुछ काम। अच्छा 20 साल से जानते हो? मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था सुनने में कि हाँ मैं 20 साल से ओम जी को जानता हूँ या ओम जी मुझे 20 साल से जानते। मैं घर गया,
वाइफ से बात हो रही थी, मैंने कहा यार ये सवाल मुझे पूछा उसने, और फिर मैंने सोचा ओम जी मिले थे तब जानते नहीं थे ओम जी, लक्ष्य में काम किया पहली बार, फिर मैंने जिक्र किया कि सर हम गुरु भाई भी हैं, अलकाजी साहब आपके गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, वहां से रिश्ता बना। जब जब मेरे शूटिंग्स पर मिले, कुछ 5-6 फिल्में साथ में की होंगी, राजस्थान में लंबा समय बिताया एक फिल्म के लिए, परिवार वाले भी मिले, बेटी मेरी मिली उनसे, तो घर उनके एक बार गया बस ओकलैंड पार्क वाले में, वो भी जब सिंटा में वो प्रेसिडेंट बन गए तब साथ में थे, थोड़ा और ज्यादा वक्त बिताया। तो ऐसे देखूं तो मुलाकातों की अगर तादाद देखूंगा तो शायद मैं करीबी नहीं था या दावा भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद मैंने वाइफ से पूछा ऐसा क्यों लग रहा है यार कि कोई फैमिली मेंबर चला गया, वो यकीन क्यों नहीं हुआ। एक बात जो आई थिंक मनोज ने भी बोली थोड़ी देर पहले, मैं वो जिससे मिलते थे पूरा मिलते थे, और ऐसे बहुत कम लोग हैं इंक्लूडिंग माइसेल्फ, हम लोग 4 लोगों के साथ बैठे होते हैं तो कुछ लोगों से फोन पर मिल रहे होते हैं उस दौरान, कुछ लोगों से आधे अधूरे मिल रहे होते हैं। ओम जी या तो मिलते नहीं थे जिससे नहीं मिलना है, लेकिन जिससे मिलना है वो 100% ओम। तो आपको लगता था कि यार जब पूरा का पूरा मेरे सामने निछावर है एक शख्स, मैं वाकई बहुत करीबी हूं, ये एहसास उन्होंने हम सबको दिलाया। और आपस में रश्क भी होता है मुझसे जब कोई ज्यादा बोलता है कि मैं ज्यादा करीबी था, जलन भी होती है बिकॉज हम सब थोड़े पोजेसिव हैं ओम जी के बारे में। और एक मासूमियत जो अंत तक नहीं छोड़ी उन्होंने, बचपन अपना जो साथ में समेटे रखा, वो मासूमियत अदाकारी में भी दिखती है, उनकी शख्सियत में भी दिखती है। और खासकर ये फोटोग्राफ जब मुझे अश्विनी चौधरी ने दिखाया, बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ है, आई थिंक कैप्चर करता है उनके एसेंस को। और इस फोटोग्राफ से मुझे एक किस्सा याद आता है, हम लोग बाबर एक फिल्म की थी हमने, तो प्रमोशन के लिए गए थे लखनऊ, लखनऊ से फिर कानपुर जाना था, उस वक्त लखनऊ कानपुर की सड़क बहुत खराब थी, 2.5-3 घंटे का सफर था। ओम जी ने तो कल्टी मार ली, बोले यार मेरी तो बैक में प्रॉब्लम है यार, मैं तो यार कौन खाना है चटके गाड़ी है यार तू जा। मैं परेशान, मैंने कहा अकेले जाऊंगा अकेले वापस आऊंगा, मैं मनाता रहा ओम जी सर चलो ना, हम इवेंट से वापस आ रहे थे होटल में, गाड़ी में मैं पूरी कोशिश कर ली, हर हथियार मैंने आजमा लिया, हर पैतरा कि ओम जी किसी तरह मान जाए, कंपनी अच्छी हो जाएगी, वापसी का सफर अच्छा हो जाएगा। मैं ओम जी वापसी में यार बियर पीते पीते वापस आ जाएंगे यार, प्लीज मान जाओ। होटल आया, मुझे देखा, ये एक्सप्रेशन था, सीधे बोले चल हट चुड़ैल, गाड़ी से उतरे चले गए। वो चल हट चुड़ैल वो इतना प्यारा था, इतना खूबसूरत था, वो जिंदगी भर साथ में रहेगा। और अब अनकन्वेंशनल सी शाम है, बोलने वाले बहुत हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो जो लोग जो जो हमारे मित्र जिनको जल्दी जाना है, मैं नीचे रहूंगा, वो चुपचाप बता दें, ताकि मैं यहाँ खड़े व्यक्ति को बता दूंगा कि भाई अगले स्पीकर इनको आप बुला लें। तो इसके साथ मैं यहाँ से हटता हूँ, रवि जी आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आइए।